नमस्कार दोस्तों, वीडियो में छुपे हुए हैं तीन सवाल। आपको वीडियो को पूरा देखना है, उन तीनों सवालों को ढूंढना है और उनका सही जवाब देना है। जो भी तीनों सवालों का सही जवाब देगा वो जीत सकता है ₹2000 का पेटीएम कैश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube Vibe with you. IPL 2021 का 2700 मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाने वाला। फाइनली इंतजार की घड़िया समाप्त होने वाली है क्योंकि अब वक्त आ चला है IPL की सबसे बड़ी राइवरी का। जी हाँ, 26 मैच बीत जाने के बाद इस IPL में पहली बार आमने सामने होंगी मुंबई और चेन्नई की टीमें। एक तरफ जीत की रथ पर सवार माही के मतवाले होंगे, वहीं दूसरी तरफ होंगे शर्मा जी के सवा शेर। एक तरफ फैफ खेलेंगे फैबुलस, धोनी करेंगे धमाका, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा पोलार्ड के पावर के साथ साथ हिटमैन का हिटिंग अंदाज। ऐसे में सिर्फ आएगी एक ही आवाज, माही मार रहा है और हिटमैन फाड़ रहा है। ऐसे में काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात, साथ ही साथ हम आपको इस मुकाबले की बेस्ट फैंटसी पिक भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर, इन्हें बाउंसर पर डक करना सिखाओ। करोड़ों में एक एडवाइस दिए चैम। अब सुनो एक से एक करोड़ वाली बात। माई 11 सर्कल पे ₹1 में टीम बनाओ, रोज एक करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। खुद को चैम समझते हो तो माई 11 सर्कल पे करोड़पति बन के दिखाओ। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस पिच के हाल की। तो ये जो मुकाबला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाने वाला है और अब तक यहाँ इस IPL के दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों ही मुकाबले दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इन दो मैचों में यहाँ पर सिर्फ 13 विकेट ही गिर पाए हैं, जिसमें से 8 विकेट तेज गेंदबाजों को, वहीं 5 विकेट स्पिनरों को मिले हैं। इस पिच पर खेले गए अब तक के दो मैचों को देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों का ही बोलबाला है और जो भी टीम दूसरी पारी में बैटिंग करेगी उसका जीतना 99.99% कंफर्म है। ऐसे में टॉस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरे अनुसार ये जो मैच होगा एक हाई स्कोरिंग मैच होगा और 180 प्लस का स्कोर आपको इस मुकाबले में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम ग्राउंड बदलते ही अपने पुराने रंग में नजर आने लगी है। मुंबई के बल्लेबाजों का फॉर्म इनके लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ था क्या अभी भी है। डीकॉक लगातार फ्लॉप हो रहे थे लेकिन चेन्नई से बाहर निकलकर अरुण जेटली के इस मैदान पर डीकॉक ने 70 रनों का एक बेहतरीन नॉक खेला और अब तैयार हो चुके हैं चेन्नई के पिच पर हुए अपने बुरे हाल का बदला चेन्नई की टीम से लेने के लिए। अब ऐसे में रोहित, जो कि इस IPL में मुंबई की तरफ से सर्वाधिक 215 रन बना चुके हैं, उनके ऊपर से भी प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा और अब वो भी खुलकर खेल पाएंगे। बल्लेबाजी मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा कंसर्न इस IPL के दौरान रही है। ऊपर से पिछले मुकाबले में तो इन्होंने एक बल्लेबाज को हटाकर गेंदबाज को ही खेला लिया था। ऐसे में अगर मुंबई को 2-3 झटके शुरुआती में लग जाते तो फिर मामला गड़बड़ा सकता था। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस मैच में नाथन कुल्टर नाइल को बाहर करके एक बार फिर से मुंबई की शान ईशान को टीम में अंदर लाया जाएगा, जिसकी वजह से मुंबई की बैटिंग थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। आपको बता दें कि चेन्नई के खिलाफ पोलार्ड का पावरफुल अंदाज हमें बड़ा ही देखने को मिलता है और अगर इस मैच में मौका मिला तो अपने पसंदीदा प्रतिद्वंदी के खिलाफ पोलार्ड अपना पावर दिखा सकते हैं। जी आपको बता दें कि चेन्नई के खिलाफ ये 520 रन बना चुके हैं। साथ ही साथ शर्मा जी के बेटे ने भी अपनी टीम की तरफ से चेन्नई के खिलाफ सर्वाधिक 658 रन बना रखे हैं। सूर्य कुमार यादव इस IPL में एक अर्धशतक जरूर लगाए हैं लेकिन बड़ी पारियां खेलने में वो भी इस साल नाकाम रहे हैं। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ अपने फॉर्म को एक बार फिर से तलाश सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि मात्र 9 पारियों में ही सूर्य कुमार यादव चेन्नई के खिलाफ 275 रन बना चुके हैं। बात की जाए अगर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की तो भले ही मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज इस वक्त अच्छे फॉर्म में नहीं है लेकिन इनकी गेंदबाजी अभी भी कमाल धमाल दिखा रही है। जी हां, राहुल चहर इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रचंड फॉर्म में है और इस IPL में मुंबई की तरफ से सर्वाधिक 11 विकेट ले चुके हैं और जब कभी भी मुंबई इंडियंस को जरूरत पड़ रही है वो विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं। ऐसे में वो इस मैच में भी तुड़ुक का इक्का साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को भले ही इस IPL में ज्यादा विकेट ना मिले हों लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने काफी डिसेंट गेंदबाजी की है। जी हां, आपको बता दें कि इस IPL में सबसे ज्यादा डॉट बॉल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ये टॉप 4 में शुमार है। ट्रेंट बोल्ट 63 जबकि बुमराह 59 डॉट बॉल इस IPL में कर चुके हैं। चेन्नई के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई की टीम में कुछ सरप्राइजिंग बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे पहले सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल यह है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह को कितने विकेट मिलेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो चेन्नई सुपर किंग की टीम इस वक्त बहुत ही प्रचंड फॉर्म से आगे बढ़ रही है और बैक टू बैक 5 मुकाबले जीतकर आ रही है और अब तैयार है मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले साल हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी इस वक्त सबसे बड़ी इनकी ताकत बनी हुई है। फैफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ का राज हर
हर मैच में चल रहा है और ये दोनों खिलाड़ी अकेले ही मिलकर विरोधियों का विध्वंस कर दे रहे हैं। बाकी की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एक तरफ से देखा जाए तो ये चेन्नई के लिए अच्छी बात भी है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो बुरी बात भी है, क्योंकि अभी तक इस आईपीएल में 270 रन बना चुके फैबुलस डुप्लेसिस और 192 रन बना चुके ऋतुराज गायकवाड़ की सर्विस लगातार चेन्नई सुपर किंग को मिलती आई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसी दिन ये दोनों खिलाड़ी एक साथ जल्दी आउट हो जाते हैं तो चेन्नई की टीम कैसे मामले को डील करती है। वैसे तो इनकी बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा डीप है और इनके पास 10वें नंबर तक बल्लेबाज मौजूद है। आपको बता दें कि सुरेश रैना का बल्ला मुंबई के खिलाफ जमकर तांडव मचाता है। मात्र 32 पारियों में ही रैना मुंबई के खिलाफ 818 रन बना चुके हैं और आखिरी मुकाबले में बेहतरीन टच में भी नजर आए थे, इसलिए इस मैच में उनके बल्ले से एक अच्छी पारी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अंबाती रायडू भी इस मैच में अपनी एक्स टीम के खिलाफ रनों की सुनामी ला सकते हैं। जी हां, मुंबई के खिलाफ रायडू का बल्ला हमेशा ही चलता है। वैसे आपको बता दूं कि फैबुलस डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में भी चेन्नई को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं और फैब के बल्ले से अगर लगातार चौथा अर्धशतक आ जाता है तो आप हैरान मत होना। बात की जाए अगर चेन्नई सुपर किंग की गेंदबाजी की तो इस मैच में कैरन प्लाट को 10 बार और रोहित शर्मा को 5 बार आउट कर चुके डीजे ब्रावो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मैच में रोहित शर्मा और कैरन प्लाट को 3-3 बार आउट कर चुके रविंद्र जडेजा भी एक अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं डीको को 2 बार आउट कर चुके दीपक चहर की गेंदें एक बार फिर से डीको को बड़े नॉक्स खेलने से रोक सकती है। आपको बता दें कि इस मैच में धोनी के चलने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि बुमराह धोनी को 5 बार, पोलार्ड 3 बार और बोल्ट 2 बार आउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे सवाल की और दूसरा सवाल यह है कि इस मैच में चेन्नई की तरफ से कौन सबसे ज्यादा छक्के मारेगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 32 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 19 बार मुंबई पलटन ने जीत हासिल की है, वहीं 13 बार माई के मतवालों ने इन्हें मात दी है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और मामला 50-50 का रहा था, यानी कि एक-एक मैच दोनों टीमें जीती थी। अब बात करते हैं आज के हमारे फैंटेसी पिक की। तो फैंटेसी टीम सेलेक्ट करने के लिए ये हमने स्क्रीन को ऑन कर लिया है, माय 11 सर्कल ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा की तरह, जहां पर आप सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ जीतने का मौका पा सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करोगे तो आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी मिल सकता है और ये जो मैं टीम बता रहा हूं ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम पर आएगी, ये सिर्फ एक डेमो टीम है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे तीसरे सवाल की। तो आज का हमारा तीसरा सवाल ये है कि इस मैच में धोनी विकेट के पीछे कितने शिकार करेंगे और किस किस के करेंगे, मतलब किस किस के तो नहीं कैसे करेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले हमें विकेट कीपर्स लेने हैं तो डीकॉक ले लेना, अच्छे टच में नजर आया था इस ग्राउंड पर, रन करके दे सकते हैं, विकेट के पीछे शिकार भी करेंगे और ईशान इस मैच में वापस आ सकते हैं तो उनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है, विकेट्स गिरेंगे तो रन करके आपको दे सकते हैं। फैब डुप्लेसिस, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, 6 बल्लेबाजों को हमने अपनी टीम में भर लिया क्योंकि ये जो विकेट है बल्लेबाजी के लिए है और इस विकेट पर बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी टीम में रखना है, तो 6 बल्लेबाज को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। 2 ऑलराउंडर्स को हमने लिया है, रविंद्र जडेजा जो कि एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में, साथ ही साथ मोइन अली को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। मोइन अली को आप चाहो तो ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा गेंदबाज अपनी टीम में ले सकते हो, दीपक चहर को ले सकते हो या फिर डीजे ब्रावो को भी चाहो तो आप ले सकते हो जो कि पोलार्ड को 10 बार आउट कर चुके हैं, रोहित शर्मा को भी 5 बार आउट कर चुके हैं तो मोइन की जगह आप चाहो तो डीजे ब्रावो को ले सकते हो। राहुल चहर को हमने अपनी टीम में शामिल किया है, कैप्टन हमने यहां पर बनाया है फैब डुप्लेसिस को, वाइस कैप्टन हमने बनाया है मोइन अली को। तो ये है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, ये एक डेमो टीम है जैसा कि आपको पता है, फाइनल टीम कहां आएगी ये भी आपको पता है। माय 11 सर्कल को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं माय 11 सर्कल प्रेजेंस कौन साबित होगा दमदार, क्या इस मैच में हमें देखने को मिलेगा पोलार्ड के पावर के साथ-साथ हिटमैन का हिटिंग अंदाज या फिर धोनी के धुरंधरों के सर सजेगा एक बार फिर से ताज। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा क्योंकि फाइनल टीम मैं वहीं पर देता हूं। साथ ही साथ इस मैच से जुड़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट भी मैं वहीं पर शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फेक चैनल को ज्वाइन मत करना। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार इस मैच में भी धोनी के धुरंधरों के सर सज सकता है ताज। जी हां, चेन्नई सुपर किंग मेरे अनुसार ये मैच जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि चेन्नई ये मैच जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि मुंबई ये मैच जीत सकती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ मिलकर क्रिकेट के मजे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।